As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. भारतीय सेना तैयार है, हमें तो बस सरकार के आदेश का इंतजार है। हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये बयान भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हैं। आज से ठीक एक दिन पहले पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता का भी इसी तरह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमें 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। एक के बाद एक भारतीय सेना के बड़े अफसरों का यह बयान कहीं कोई बड़ा संकेत तो नहीं दे रहा है? कहीं भारत पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने वाला है? पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय सेना अब कश्मीर के मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाली है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय सेना को एक बेहतर केंद्रीय नेतृत्व मिला, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे सबक सिखा दिया। लेकिन इस बार तैयारी बड़ी है, सेना के हौसले बुलंद हैं और सेना की तरफ से हर तरह की तैयारियां पुख्ता है। इंतजार है तो बस सरकार के सिग्नल का। 21 नवंबर को दिए अपने एक बयान में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता ने भी कुछ इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वोत्तर सीमा हो, उत्तरी सीमा हो या फिर पश्चिमी सीमा, हमारी सेना हर तरह की इमरजेंसी और चुनौतियों से निपटने को तैयार है। हम भारतवासियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारतीय सेना हर कीमत पर देश की अखंडता को बनाए रखेगी। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब सेना लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देश में घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को सीमा सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि जैसे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सबको चौंका दिया था, अब पीओके में सेना कौन सा बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। बहरहाल, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।